अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, गोल्डन फीजेंट परिंदों की एक किस्म है जो मगरबी चीन के पहाड़ी जंगलात में मौजूद है, लेकिन इसे दुनिया के दीगर हिस्सों में सजावटी परिंदे के तौर पर मुतारफ कराया गया। ये फिजेंटी खानदान का एक रुकन है जिसमें दूसरे बर्ड्स जैसा कि बटेर, तीतर और टर्की भी शामिल हैं। नर गोल्डन फीजेंट अपने शानदार और रंगीन प्लमेट के लिए जाना जाता है, जिसमें सुनहरी पीले रंग का क्रस्ट, एक सुरख और सुनहरी जिस्म और लंबी रोशन नारंगी और पीली दुम शामिल है। मादा कम रंगीन होती है, जिसका जिस्म भूरा और स्याह होता है और दुम छोटी होती है। गोल्डन फीजेंट बुनियादी तौर पर ज़मीन पर रहने वाला परिंदा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मुतसर फासले तक उड़ भी सकता है। गोल्डन फीजेंट हमाखोर हैं, मुख्तलिफ किस्म के पौधों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों को खाते हैं। वो अपने मखसूस सोहबत की नुमाइशों के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें नर अपनी चमकीली दुम के पनखों को खिलाता है और ख्वातीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए आवाज़ें निकालता है। गोल्डन फीजेंट महारीने ज़रात में मकबूल हैं और इन्हें अक्सर चिड़ियाघर, निजी एवरी और पालतू जानवरों के तौर पर रखा जाता है। तहम ये नोट करना ज़रूरी है कि इन्हें कैद में फलने फूलने के लिए खसूसी देखभाल और एक बड़े कुशादा इवेरी की ज़रूरत होती है। कुछ इलाकों में सुनहरी तीतरों के मुतारफ होने से मकामी अनवा के साथ मुसाबकत और मकामी माहौलियाती निज़ाम पर मनफी असरात भी मुरतब हुए हैं। दोस्तों, क्या आपने गोल्डन फीजेंट परिंदा पहले देखा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।